बहुत सारे ऐसे एसपीओज हैं, डिसएंगेज एसपीओ, ये कह रहे हैं कि जब से ये भाजपा में गए तब से बहुत खामोशी इख्तियार की, आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए सज्जाद साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाइयों और बहनों को अपने तरफ से सलाम आदाब नमस्ते पेश करता हूं। और आपकी जानकारी में ये बताना चाहूंगा कि दुनिया से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से एसपीओज भाइयों को तो पता ही है, मगर पूरी जनता को पता है कि जितना मेरे से हो सका, जिस तरीके से, जिस शिद्दत से मैंने इन भाइयों की आवाज़ उठाई, और क्या आप ये सोच सकते हैं कि मैं इनकी आवाज़ से हट जाऊं या हट सकता हूं? कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने अपने दिल से इनकी आवाज़ उठाई थी, उठा रहा हूं, और जब तक इनका मसला हल नहीं होगा तब तक इनकी आवाज़ के साथ मैं बना रहूंगा। और एक बार आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओज को ये बताना चाहूंगा कि पहले मैं मीडिया के जरिए, क्योंकि मीडिया ही एकमात्र जरिया होता है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने का, तो मीडिया के जरिए हम सरकार तक, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाते थे। आज मैं खुद भी एक उसी तंजीम में हूं और मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि मैं आज भी श्रीनगर में हूं और कल मैं पूरा दिन पुलिस हेडक्वार्टर में, यहां पर जहां जहां मुझे ऑफिस में, क्योंकि इनका जो मसला है उसको मैं खुद फॉलो भी करता हूं, दौड़ता भी हूं, इनके साथ साथ चलता हूं। अब हमारे एसपीओ भाइयों को यह लगता है कि मीडिया में बात नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि सेवा सिंह बाली शायद खामोश बैठे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ना होगा। मैंने भाजपा के जितने भी बड़े सीनियर अधिकारी हैं, जितने भी लीडर हैं, उनकी नोटिस में ये बात लाई है, पूरा रिकॉर्ड उनके हैंडओवर किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब को पूरा तरीके से आपने, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, 10-15 दिन पहले ही मैंने होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को एक रिटर्न पूरी डिटेल दी है कि, और हमने होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश भी की है कि वो जाती संज्ञान ले इस मसले में, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को इंसाफ मिल सके। मैं इनके मसले के साथ जुड़ा हूं, और थोड़ी सी जो कोर्ट की बताना चाहूंगा, कोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि वहां पर एसपीओज का जो मसला है, वीडीसी एसपीओज जो हैं वो भी एसपीओज हैं, उनकी पॉलिसी और हमारे जो एसपीओज हैं उनकी पॉलिसी सेम है, उनकी सैलरी में कटौती की जा रही है, तो उस वजह से जो वहां पर हेयरिंग जो है वो डिले हो रही है। और कल मेरी वकील साहब से भी बात हुई थी, क्योंकि यहां पीएचक्यू से इन्होंने 25,000 रुपए के लिए, 25,000 रुपए पर मंथ एसपीओज का जो इन्होंने सैलरी के लिए प्रपोजल भेजा है वो भी हमने देखा है, और उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और इनके रेगुलर पॉलिसी के लिए भी। और अगले हफ्ते के लिए वकील साहब ने कहा है कि एक एप्लीकेशन हम मूव करेंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट में, और इस केस को जल्दी लगवा के और इसका डिस्पोजल करवाने की कोशिश करेंगे, क्या ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का जो मसला है ये, मैं भी चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, उन एसपीओज तक ये जानकारी नहीं पहुंचती है कब हेयरिंग है कोर्ट में, उसके हवाले से आपको कोई उन तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर ली जाए? बिल्कुल, अब ऐसा ऐसा बिल्कुल आपका कहना जो है बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो भी जानकारी होगी हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, किसी न किसी मीडिया के जरिए उन तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। और आने वाले वक्त में मैं आपकी जानकारी में ये भी बताऊंगा कि थोड़ा इसमें हमने तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि ये मसला जो है हमारे एसपीओ भाइयों को ऐसा लग रहा है कि ये शायद ढीला पड़ गया है, मगर पूरे देश में इस मैटर को, इस मसले को हमने शिद्दत से उठाया है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इनका मसला जो है ठंडे बस्ते में जाए, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं अगर सही तरीके से समझा जाए तो
तो बीजेपी में मेरा जाने का कारण ही मकसद ही यही था कि इन मुद्दे को इस मुद्दे को जिस तरीके से हमने चलाया है, जहां पर हमें कुछ दुश्वारियां आ रही थी, तो शायद हमें बीजेपी में जाने से इसमें थोड़ा मदद होगी और मदद हो भी रही है, क्योंकि उस वक्त जब हम जो भी कार्रवाई करते थे तो हम प्रॉपर मीडिया में उसको हाईलाइट करते थे और गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। आज हमारी डायरेक्ट उनके साथ मीटिंग होती है और हमने मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही रहता है कि मैं इन्हीं मुद्दों को लेके जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनसे हमेशा बात होती है और हमेशा उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और एक बात तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, टाइम ज़रूर लगा, टाइम ज़रूर लग सकता है, मगर हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज जिस चीज़ के हकदार हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ हमारे एसपीओज को बिला वजह डिसंगेज कर दिया जा रहा है, तो उस पे डीजी साहब को चाहे कि वो ज़ाती तवज्जा दें। बिला वजह अगर किसी ने 18 साल 10 साल 12 साल नौकरी की है, उसके लिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ा, हमारे एक एसपीओ भाई के साथ इसी तरीके से नाइंसाफी हुई थी और उसको बाल करने के लिए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर आर्डर दिया डिपार्टमेंट को कि इसको बाल किया जाए, और जब से इसको जिस डेट से इसको डिसंगेज किया है उस डेट से इसको प्रॉपर तरीके से सैलरी दी जाए और इसको बाकायदा तौर पर रीएंगेज किया जाए। उसी तरीके से जो हमारे कुछ ऐसे केसेस हैं जो डीजी साहब के नोटिस में भी शायद पहुंचे हैं, अगर नहीं पहुंचेंगे हमारा प्रयास रहेगा उनकी नोटिस में लाने के लिए, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो ज़ाती तवज्जो देखें। जी आप सोचिए कि अगर किसी शख्स ने 18 साल डिपार्टमेंट को दिए और मामूली किसी गलतफहमी की वजह से उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो ये मेरे हिसाब से उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। साथ में हमारे डिसंगेज एसपीओज का मैटर है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिलहाल जो नाजरीन हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन एसपीओज तक ये वीडियो पहुंचे, उन एसपीओज तक जो है जानकारी पहुंचे, और अपनी राय जरूर जो है कमेंट बॉक्स में रखें ताकि आपकी बात भी हम इनके सामने रखेंगे। फिलहाल जिस तरीके से आपने बात की, कुछ एसपीओज को निकाला जाता है, तो उसके हवाले से किस तरीके से आपने कदम उठाए? एसपीओज को जिस तरीके से बिला वजह निकाला जाता है, तो उसके लिए पहले तो हमने डिपार्टमेंट से बाकायदा तौर पर पुलिस के हायर ऑफिसरान साहिबान से रब्ता किया, और वहां से जब मायूसी हाथ लगी तो हमने पूरा तैयारी के साथ ऑनरेबल हाईकोर्ट से रुजू किया और वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की कि उसको बाल किया जाए। अगर एक बात तो मैं बताऊंगा कि उस आर्डर से जो कोर्ट ने आर्डर किया है उससे अब हमें बाकी डिसंगेज एसपीओज को बाल करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर किसी भी शख्स ने किसी डिपार्टमेंट में जब काम किया हो तो मामूली गलती की वजह से उसको सजा देने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको पनिशमेंट आप दे सकते हो। एकदम किसी को नौकरी से निकाल देना, क्या आप समझते हैं कि कहीं एसपीओ जैसे हैं जिनको नौकरी से निकाला, उनका बैंक से उन्होंने लोन लिया है, उनके चार चार पांच पांच बच्चे हैं, उनको किस्तें, अब वो परिवार को पाल रहे हैं लोगों से आगे पीछे से अपने हमसायों से कर्जा लेकर परिवार को पाल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये डिपार्टमेंट के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि जिस शख्स ने 15 साल 18 साल अगर डिपार्टमेंट को दिए उसको आप मामूली किसी गलती के या गलतफहमी के कारण उसको अगर आप निकाल देंगे, तो मेरे हिसाब से ये सरासर उनको उनके साथ नाइंसाफी है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पे ज़ाती तवज्जा दी जाए और इन लोगों को जो डिजर्व करते हैं उनको बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक रास्ता बचता है कोर्ट का, तो उसके लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कोर्ट में जाने के लिए। और जिस तरीके से हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारा फोन जो है रिसीव नहीं करते हैं, एक शख्स ने कमेंट किया, उसने कहा कि लगभग 50 बार मैंने कॉल की तो आपने रिसीव नहीं किया, आखिर क्यों? देखिए
बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, काफ़ी जगहों से फ़ोन आते रहते हैं हमेशा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन आते हैं। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो भी मुझे कॉल करते हैं, मैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उनको यहाँ से खुद ही कॉल करूंगा, मैं उनसे खुद बात करूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि अपना नाम, कहाँ से वो बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से उनको कॉल करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिनका भी फ़ोन, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, उस वजह से सभी कॉल में अटेंड नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए ये हमारे भाई जो है ये ज़्यादा फिर नाराज़ हो जाते हैं। मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि जिसको ज़रूरी बात करनी हो वो व्हाट्सएप पे दो